अपने सगे संबंधियों और पड़ोसियों के तंग करने के चलते हमीरपुर के दनेटा के समीप गांव बुल्ली के प्यारेलाल का जीवन अंधकार में बना हुआ है। प्यारेलाल की जमीन से लेकर घर पर भी पड़ोसियों ने कब्जा किया हुआ है, तो रोजगार के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। प्यारेलाल ने पड़ोसियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस से जिला उपायुक्त तक गुहार लगाई, लेकिन आज दिन तक प्यारेलाल की सुनवाई कहीं नहीं हुई है, जिसके कारण प्यारेलाल न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए भी मजबूर हो गए हैं। अपने सगे संबंधियों और पड़ोसियों के तंग करने के चलते हमीरपुर के धनेटा के समीप गांव भूली के प्यारेलाल का जीवन अंधकारमय बना हुआ है। प्यारेलाल की जमीन से लेकर घर पर भी पड़ोसी ने कब्जा किया हुआ है, तो रोजगार के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। प्यारेलाल ने पड़ोसियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस से जिला उपायुक्त तक गुहार लगाई है, लेकिन आज दिन तक प्यारेलाल की सुनवाई कहीं नहीं हुई है, जिस कारण प्यारेलाल न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो गए हैं। जिला के अंतर्गत आने वाले गांव भूली सुकड़े के निवासी प्यारेलाल ने बताया कि उनके पड़ोसी चाचा भतीजा उन्हें कई सालों से तंग कर रहे हैं। प्यारेलाल ने कहा कि वे कुछ साल पहले एक बेकरी की दुकान चलाते थे, उसे भी उसके पड़ोसियों ने बंद करवा दिया और अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हमारी हर जगह पर अपना अधिकार जता रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं वहीं गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। प्यारेलाल ने बताया कि हद तो तब हो गई जब डिपुओं से हमारे घर का राशन भी रुकवा दिया। इस परेशानी के बारे में कई बार गांव के प्रधान और डीसी के पास शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ है, जिसके चलते दोनों चाचा भतीजा अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जानलेवा हमले, जमीन के कब्जे, सरकारी नलके की बातें हैं, करोड़ों का नुकसान है, दुकान की चोरियां हैं और उनका पूरा गुंडा राज है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें मारना चाहते हैं और कई तरह का, मतलब हम 2004 से काम करते हैं। हमने बाहर भी बताया था कि अपना काम कीजिए, क्योंकि समस्या का उधर की थी, मालिक पैसे नहीं देते थे, इस कारण मजबूरी में हमने अपने गांव में धनेटा जंगलूस लैंड में काम किया। तो ये पड़ोस के लोग और गाँव के लोग हमें बहुत ही ज़्यादा तंग परेशान और गुंडागर्दी मचाई हुई है, हमारा जीना आराम कर दिया है। एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हमें जीना ही, मतलब जान से खत्म करना चाहते हैं और जो हमारी ज़मीन है उसे कब्जा करना चाहते हैं और वहां से भगाना चाहते हैं। इनका ना तो कानून का डर है ना भगवान का डर है। अफसर अच्छा काम करते हैं लेकिन नीचे वाले नहीं काम करते, ना के बराबर होता है। हम कहां जाएं, किसके पास जाएं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और इन बदमाशों को सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो कि भविष्य में ऐसा काम ना कर सके। हमें इंसाफ की जरूरत है और इनको कड़ी से कड़ी सजा। काफ़ी हमारा नुकसान हो चुका, करोड़ों का नुकसान हो चुका। हम सन 1990 से पहले से काम कर रहे हैं सर जी, तो हमारे सारे जो आप खाते देख सकते हैं 30-40 हज़ार रुपया होएगा सारा। तो इनमें मतलब आप बताइए, एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मजदूर का जो है, मजदूर के पास सन 1990 से कितना पैसा होना चाहिए और एक हम तो कहते हैं कि एक कारीगर है, एक बिजनेसमैन है, उसके पास कितना पैसा होना चाहिए। हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है कि हमें पैसे की ज़रूरत है। हम तो ये भी हमारा दिल दिमाग कहता है कि पैसा बंद करना चाहिए। इंसान के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, 4-5 चीज़ों की ज़रूरत है। अगर सरकार चाहे तो ये सारे जो है, मतलब एक डिपो की तरह, मतलब सारा कारोबार मतलब काम कर दे, जिससे जो है ये सारा जो है अपराध समाप्त हो जाए। क्योंकि मेन समस्या क्या है कि पैसा और ज़मीन, अगर ये दोनों बातें मतलब समाप्त हो जाए तो मैं कहता हूँ अपराध ही खत्म हो जाएगा। हमें किसी चीज़ का ये नहीं। हम तो ये भी कहते हैं कि हमें सरकारी काम दिया जाए। हमने कई बार अखबारों में छिपाया हुआ है कि हमें मतलब गांव के लोग, पड़ोस के लोग काम नहीं करने देते हैं और हमें इसलिए चुपचाप सरकारी काम दिया जाए। हमने मतलब गन की बात की है कि हमें मतलब हिफाजत वास्ते या सिक्योरिटी दी जाए या फिर गन मतलब दिया जाए, जो कि हम मतलब अगर दुश्मन आएंगे, बदमाश आएंगे हमें मारने वास्ते, तो अपने हिफाजत वास्ते हम गन रखे। हमें मजबूर में मिर्चें रखनी पड़ती हैं, क्यों कि हमें जान का खतरा है, ना जाने 10 या 50 बंदे आ जाते हैं तो हम अपना आप कैसे सुरक्षित बचा सकते हैं। तो इसलिए हमें मिर्चें अपनी जेब में रखनी पड़ती है, क्यों कि हमें जान का खतरा है। अगर सरकार हमें सिक्योरिटी दे देगी तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या इन बदमाशों को अंदर कर देंगे 10-20 साल के लिए, फिर भी हमें, हाँ फिर हम ये करेंगे जो हमारे पीछे लगेगा हम उनके बताएंगे सरकार को कि साहब ये हमारे पीछे लग पड़ा, वो तो अंदर हो चुके हैं लेकिन ये हमारे पीछे लगे हुए हैं।
तो इनके लिए, इसलिए हम चाहते हैं ये है कि हमें मतलब सरकारी काम दिया जाए और मतलब इन बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा, भविष्य में कोई ऐसा काम ना करे। और जो हमारा नुकसान है हम ये नहीं कहते सरकार दे, हम इन्हीं से, क्योंकि ऐसा है कहते हैं धरती के ऊपर जो चीज़ बीजी है वही हमने काटनी है, तो जिन्होंने नुकसान किया है हम उनसे लेना चाहते हैं, हम सरकार से नहीं मतलब इच्छा रखते कि सरकार हमारी सहायता करे, जिन्होंने नुकसान किया हम उनसे लेना चाहते हैं सर।